मीट द ऑल द स्टाफ्स ऑफ द कैंटीन जो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं. फ्रेंड्स से हाय. हाय. फ्रेंड भुवनेश्वर एंड यू वांट टू हैव योर लॉन्च एट दी कैंटीन. दी कैंटीन व्हाई दी कैंटीन? बिकॉज द अफोर्डेबल प्राइस एंड द क्वालिटी गुड सर्व्स हियर. सो इफ यू वांट टू कम हियर देन कम टू सीआरपी स्क्वायर एंड टेक लेफ्ट towards state school or DAV school and then you will find Amrita complex at your left. Just opposite of the Amrita complex you will find the D canteen restaurant with AC room and affordable price. चलिए देखते हैं D canteen. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिर. ये D canteen है जो कि Amrita complex के opposite में है. आप यहाँ पर आके अपना lunch और dinner जो भी चाहें अच्छे तरीके से खा के अफोर्डेबल प्राइस में जा सकते हैं. खुश होकर, दिल खुश करके जा सकते हैं. See the menu of the canteen. Let's go into the menu. You can see the appetizer part. There is green salad, masala papad, veg pakoda, green peas masala, paneer pakoda, finger chips, fried fish, chana master, chicken pakoda and prawn pakoda. And in the soup part, the tomato soup, veg clear soup, veg garlic soup. There are so many varieties of soups are there. इन थाली जो यहाँ पर है, मतलब थाली दिया जाता है, वेज थाली, एग थाली, फिश थाली, चिकन थाली, मटन थाली एंड प्लेन कॉर्ड. आपको मैं रेट भी दिखाना चाहता हूँ कि वेज थाली कैन यू ज्यूम दिस, कि वेज थाली 60 रुपीज़, एग थाली 65, फिश थाली 65 एंड चिकन थाली 80 रुपीज़, मटन थाली 120 एंड प्लेन कॉर्ड 25. आई थिंक दिस इज द यूनिक प्लेस वेयर इन अफोर्डेबल प्राइस यू कैन गेट योर फेवरेट फूड्स इन थाली बेसिस. कि ये इतने कम प्राइस में इतना बढ़िया खाना, डिलीशियस खाना जो कि यम्मी फूड से यहाँ पे आप लोग आके एंजॉय करके जा सकते हैं. आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू द बेस्ट फूड आप ये पा सकते हैं यहाँ पे दी कैंटीन पे. और उसके साथ साथ बहुत सारे आइटम्स भी है जो कि बिरयानी में दिखा सकता हूँ मैं. वेज बिरयानी जो कि 50 का है, एग बिरयानी 60 का, प्रॉन बिरयानी 120 का, चिकन बिरयानी 80 रुपीज़ का, मटन बिरयानी 120. मैं हम लोग का बस इतना कहना है कि ऐसी रेस्टोरेंट में इतनी कम प्राइस में कहीं भी नहीं मिलेगा. आप भुवनेश्वर में रहते हो या फिर बाहर से आए हैं भुवनेश्वर के लिए, तो अगर लंच और डिनर खाना चाहते हैं या फिर इवनिंग में फास्ट फूड भी खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए दी कैंटीन में. आपको अच्छी खाना के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस भी मिल जाएगी यहाँ पे. ठीक है, कस्टमर्स ऑफ दी कैंटीन कि ये दी कैंटीन पे आए हैं खाने के लिए, उनसे व्यू लेते हैं यहाँ पे. कि सर आपका नाम? सुब्रत हाजरे शतपथी. थैंक यू, वेलकम टू आवर चैनल. तो आप यहाँ पे रेगुलर आते हैं या नहीं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ. मैं सोचता हूँ कि रेगुलर आऊँगा, अच्छा खाना है. अच्छा, अभी आप क्या खा रहे हैं? अभी मटन कसा और नान. मटन कसा और नान खा रहे हैं. ये टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत बढ़िया है और चाहता हूँ कि रेगुलर कंटिन्यू करूँगा. अच्छा, तो और एक कस्टमर है हमारे पास, उनको पूछना चाहूँगा. आपका नाम? देवाशीष बेहरा. वेलकम टू आवर चैनल. आप यहाँ पे रेगुलर आते हैं या फिर ऐसे ही? ना, रेगुलर आता हूँ. हाँ, हफ्ते में दो बार. अच्छा, हफ्ते में दो बार आते हैं. दो दी कैंटीन का मतलब खाना कितना अच्छा है, कितना क्वालिटी? क्वालिटी अच्छा है, पैसा के हिसाब से बहुत अच्छा है. आपके हिसाब से, पैसे के हिसाब से क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और क्वांटिटी में? हाँ, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है. आपने देखा कि कस्टमर से रिव्यू था यहाँ पे कि जैसे मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि क्वालिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस, ये दी कैंटीन इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन भुवनेश्वर जो आप यहाँ पे लंच और डिनर खा के जा सकते हैं. एक वेज थाली ऑर्डर किया है यहाँ पे आप लोगों को स्पेशली दिखाने के लिए, जो कि मैंने बोला था कि रेट उसका 50 रुपये है. और 50 रुपये में ये जो सारा चीज़ वेज थाली में मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चावल है, दाल है, ये उड़िया में घाटो बोलते हैं कि मिक्स करी एक बोलते हैं उसको, और ये मूंग दाल में साग को मिला के ये प्रिपेयर किया गया है, एक साग मूंग का करी, और ये दही पाचड़ी बोल रहे थे, और आलू चोखा और आलू भिंडी की भाजी. ये सारा चीज़ 50 रुपये में वेज थाली में, मतलब इतनी कम प्राइस में ऐसे रेस्टोरेंट में आके आप लोग खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है मेरे ख्याल से. फिलहाल तो हम लोग और भी चीज़ मंगाए हैं. ये देख सकते हैं आपका कुलचा, उसके साथ साथ मटन रोगन जोश जो कि स्पेशलिटी है यहाँ पे, ये अच्छी तरह से बनाते हैं, दी कैंटीन का स्पेशलिटी है. और उसके साथ ये दिया है उन्होंने चिली चिकन जो कि एपेटाइजर के हिसाब से दिया है, हम लोग अभी खा के टेस्ट करेंगे. और जो ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं खाने के लिए, उनका जो चिकन बिरयानी है
ये चिकन बिरयानी का फ्लेवर, मतलब ये टेक्सचर आप देख सकते हैं कि ये देख के ही लगता है कि अभी खा लूँ मैं। और उसके साथ साथ ये चिकन बटर मसाला जो गार्निशिंग किया है उन्होंने, आप देख सकते हैं कि ये दिख रहा है क्रीम की तरह, लेकिन ये गार्निशिंग किया है उन्होंने एग को ग्रेटर करके उसको, उसके साथ साथ धनिया पत्ते के साथ वो उसको गार्निशिंग करके। और हमारे पास है ग्रीन सलाद, ऑल टाइम फेवरेट मेरा ग्रीन सलाद है, जो कि आप खाइए और हेल्दी रहिए। चलिए हम लोग खाते हैं, फिर टेस्ट करके देखते हैं ये दी कैंटीन का क्वालिटी फूड कैसा होता है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास अभी चिकन बिरयानी है जो कि जस्ट 80 रुपीज़ ओनली है। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ ये इसका टेस्ट कैसा होता है। फिर खुशबू तो बढ़िया आ रहा था, अभी खुशबू के साथ साथ ये टेस्ट बढ़िया ही लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, यम्मी। बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, थोड़ा सा मीठापन भी यहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा है मैं बोल नहीं रहता। अभी रायता चेक करते हैं, ये बिरयानी तो अच्छा है, रायता का टेस्ट कैसा है। दही, कुकुम्बर, प्याज और ये चाट मसाला कॉम्बिनेशन बढ़िया कर रहा है, मतलब ये बिरयानी के साथ अगर रायता खाओगे दिल झूम उठेगा। अभी आपका 80 रुपये में बिरयानी देख सकते हैं, दी कैंटीन का बिरयानी है। और ये यहाँ पे है आपका कुलचा, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये कुलचा, जी ललचा रहा है अभी खाने के लिए। अभी कुलचा को टेस्ट करते हैं, कुलचा मटन रोगन जूस के साथ, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है मटन रोगन जूस, मैं टेस्ट करता हूँ। ये ग्रेवी तो लाजवाब दिख रहा है, खाने के बाद पता चलेगा भाई। एक्सीलेंट प्रिपरेशन, जैसा मैंने सोचा था कि इसको देख के ये अच्छा ही होगा, अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है भी। और ये दिया है उन्होंने चिली चिकन करके, इसको भी टेस्ट करते हैं थोड़ा। ये बोन वाला चिली चिकन है, एक्सीलेंट, क्या बताऊं। बिरयानी खाया, फिर मटन रोगन जूस भी टेस्ट किया, कुलचा भी टेस्ट किया उसके साथ साथ, और चिली चिकन ये भी बहुत बढ़िया है। अभी चलते हैं, उन्होंने खुद सजेस्ट किया था कि हमारे यहाँ चिकन बटर मसाला टेस्ट कीजिए, जो कि वो दो टाइप का चिकन बटर मसाला देते हैं, एक तंदूरी टाइप, एक फ्राइड चिकन बटर मसाला देते हैं। जैसे कि मैंने बोला था उसका गार्निशिंग देखिए, ये को ग्रेट करके गार्निश किया है, उसके साथ साथ क्या दिया है, धनिया का पत्ता गार्निश किया है। उसका ग्रेवी चेक करते हैं पहले, यस बटरी बटरी, जैसे कि बटर मसाला नाम है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी देख कर टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। यम्मी यार, यम्मी, एक बार खाओ तो खुश, खाते ही रहते जाओगे, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी पहले मुझे खाने दीजिए, अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा इसको 10 out of 10 यार, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग आइए और देख के, मतलब यहाँ पे आके खाइए, और हमें भी कमेंट कीजिए कि हम लोग सही में 10 out of 10 जो मैंने दिया है रेटिंग, ये कितना सही है। आप लोग कमेंट करके हमको बोल सकते हैं। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, गुड बाय। और हमने जैसा सुना है कि दी कैंटीन जैसे पहले था, जैसे फूड सर्व करता था, क्वालिटी फूड, अफोर्डेबल प्राइसेस अभी भी चल रहा है उनका, वो सिस्टम अभी चल रहा है, मतलब क्वालिटी फूड दे रहे हैं और अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं, ऐसे रेस्टोरेंट में दे रहे हैं। आप लोग आइए यहाँ पर टेस्ट करिए, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली है, बजट है, मतलब अपना छोटा सा बजट में भी आप खा सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी। मीट द ऑल द स्टाफ्स ऑफ द कैंटीन जो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं।
फ्रेंड्स से हाय हाय। हम लोग देखे ही मतलब ये जब खा रहे थे हम लोग तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो स्टाफ है उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है और उनकी बदौलत ये 7 साल से चल रहा है दी कैंटीन का जो नाम और नेम और फेम है यहाँ पे। आज जो क्वालिटी सर्व तो फूड करते ही करते हैं, जो सर्विंग क्वालिटी है मतलब जो लोग सर्व करते हैं यहाँ पे उनका बिहेवियर भी टुवर्ड्स द कस्टमर बहुत ही अच्छा है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। ये जो स्टाफ है आपका नाम? स्वाधीन। कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल हो गया। आपका? जीतू। कितने साल से काम? 5 साल। आपका नाम क्या? नारायण। नारायण कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल। 5 साल से काम कर रहे हैं आप? मिथुन। 5 साल। प्रशांत। 5 साल। प्रशांत आप? कृष्ण। 6 साल। तो आपने सुना कि एवरेज 5 साल और 6 साल से काम कर रहे हैं, बहुत ही पुराने स्टाफ से। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं 7 साल से या 8 साल से वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे हैं, मतलब वही जब भी आओ हम लोग खाते हैं यहाँ पे। हमने कस्टमर से ही पूछा था, उनका भी रिव्यू था कि हर दिन आपका टेस्ट एक ही जैसा होता है, ऐसा कैसे होता है आपको? नहीं देखिए वो तो एक्सपीरियंस का काम है। अच्छा। मेरे को कम से कम यहाँ एक्सपीरियंस हो गया 38 ईयर्स ऐसे हो गया। भुवनेश्वर में आप काम करते हैं? नहीं भुवनेश्वर नहीं, मैं इसके पहले था आपका MTPL नवरंगपुर गेस्ट हाउस में, इसके बाद में रहा ये नालको का बाद FCI फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बाद में रहा MCL महानदी कॉलपिल जो घंटापुरा में है नर शताब्दी हॉस्पिटल, इसके बाद में गया आपका वेदांत है नाजीगढ़ में, वहाँ भी सिंप्लेक्स कैंटीन में था, इसके बाद में रायगढ़ से यहाँ आया। तो आपने सुना कि ये एक्सपीरियंस की जो भंडार है इसीलिए ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है कि ये इतने सारे जगह पे काम करके मतलब यही कुक इनका प्रोफेशन ही है, तो इतने सालों से काम कर रहे हैं इसीलिए उनका जो खाना एक दिन ऐसा नहीं होता कि 19-20 हो जाए, वही टेस्ट होता है दी कैंटीन का। रेस्टोरेंट में जो टेस्ट आज जो क्वालिटी दे रहे हैं जो सर्व कर रहे हैं जो फेम पाया है दी कैंटीन आज वो तो उनके ये बदौलत मतलब ये कानू भाई के बदौलत आज दी कैंटीन का फेम आगे चल के जा रहा है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड गुड बाय।